न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। हम रखे खबरों पे नजर, आप रखे खबरनामे पे नजर। NPS न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। आज एक वाकया पेश आया। अशोक मासाब टैंक चौक प्लाजा बिल्डिंग के अंदर थर्ड फ्लोर पे फ्लोर नंबर 303 में स्कैम और फ्रॉड किया जा रहा है पब्लिक के साथ में। ऐसे कई लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड और चीटिंग करे हैं, क्योंकि डाटा जो है ऑनलाइन जो है होम फ्रॉम जॉब के नाम पे SMS सेंडिंग के नाम पे लोग जो है गैर कानूनी आदमियों बच्चों से नौजवान बच्चों से काम करवा रहे हैं। आज उस जगह पे रेड डाल के ऑफिस को बंद करने की चेतावनी दी और PS में भी कंप्लेंट बुक हुआ है लोगों के नाम पे। ऐसे लोग फ्रॉड लोगों से आप लोग बचिए, ऑन लोग फ्रॉड लोगों से बचिए, होम फ्रॉम जॉब जो दे रहे उनसे बचिए। SMS जो सेंडिंग है बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इसके अंदर गैर ज़रूरी SMS आते हैं। और जो ब्लॉक नंबर है, जो रेड अलर्ट नंबर है, साइबर क्राइम जिसको ढूंढ रही है वो नंबर्स भी लोग डालते हैं, उसमें जो है आप लोग जो है SMS डालेंगे, कहीं आप फंस जाएंगे तो कंपनी भाग जाती। आप लोग जो काम कर रहे हैं होम फ्रॉम जॉब जो कर रहे हैं घरों पे बैठ के, आपके IP एड्रेस से आपको पुलिस वाले उठा लेते, ये कंपनी वाले तो कभी भी भाग सकते हैं। फ्रॉड है, आज ही जो है उनसे बात करके तकरीबन कई लोगों के पैसे वापस दिए और जो है ये लोग फ्रॉड करके भागने वाले हैं। और एक महीने के अंदर कंपनी पुलिस वाले जो है बंद कर दो बोल के बोले। इनका नाम आफरीन मैडम और खरमोनिसा मैडम जो है ये लोग लोगों को हैंडल करते, ज़्यादा लोग बोले तो ये लोगों को धमकी देके भगा देते, तो कई लोगों के पैसे ऐसा खा गए, लाखों रुपए में स्कैम करे लोग, लाखों रुपए खा गए लोगों के। इसके लिए इस चीज़ से बचे। NPS न्यूज़ में आपको NPS न्यूज़ की जो है ब्यूरो रिपोर्ट, खास रिपोर्ट दी जा रही है। इनके नाम पे साइबर क्राइम में भी केस बुक किया गया है। ये लोगों से आप अलर्ट रहिए, इनके कॉल्स मत रिसीव कीजिए, कब मत जाइए। ना 200 रुपये के नाम पे दीजिए, ना 3500 के नाम पे दीजिए, ना 3000-5000 के नाम पे दीजिए, या 8000 के नाम पे। ये लोग सीधा सीधा स्कैम और फ्रॉड कर रहे हैं। इनकी कोई कंपनी नहीं है, उनकी खुद की कंपनी बना के खाली एक चैन बना रही लोगों से पैसे लूटने का। मुसलमान हो के मुसलमानों को ही लूट रहे लोग, गैर कौम नहीं फंसे, इनके पास मुसलमान ही फंस रहे। तो भाई आप लोग मत फंसिए, आप लोगों को आगाह करने के लिए ये न्यूज़ चढ़ाई जा रही है NPS न्यूज़ चैनल पे।